कमल जी, ये बहुत अच्छा हुआ जो नीलम जी के पैसे वापस हो गए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिमाग से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। वैसे चैन तो मुझे तभी मिल गया था जब प्रीतो ने ये बात कही थी कि 1,00,000 रुपए का इंतजाम हो गया। हमारी बेटी नहीं है वो, बेटा है इस घर का। सच में वो लड़की तो जब हम मुसीबत में होते हैं तो वो ही हमें बाहर निकालती है। तभी तो मैंने उसका नाम रखा है शेर सिंह प्रीतो। जरूर हमने पिछले जन्म में कोई मोती दान किए हैं जो ये शेर सिंह प्रीतो हमें मिली है। सो तो है, बस अब पैसे ले आए तो मैं कल से खरीदारी शुरू कर दूं भाई। सब हो जाएगा, हो जाएगा। ओए प्रीतो पुत्र, आ गए तू? आजा 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 पुत्र। हाँ अभी आई। तो की होया, बड़ी उदास लग रही है। आजा बैठ बैठ, आजा आजा, ठीक है ना? कुछ नहीं पापा जी, वो ऑफिस में आज बहुत काम था ना, इसलिए थक गई। काम तो अब शुरू होगा पुत्र, इतनी तैयारियां, सब खरीदारियां, सब कुछ तो करना है, हैं? मैं सोच रही थी कल से शुरू करते हैं, फिर दिन ही कितने रह गए ईशु की शादी के लिए। बीजी पापा जी कितने खुश हैं, वो कैसे बताऊं उन्हें कि मुझे पैसे नहीं मिले। नहीं नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगी, कहीं से भी पैसों का इंतजाम करूंगी, लेकिन पीछे और पापा जी की उम्मीदें नहीं टूटने देंगे। प्रीतो पुत्र, मैं कल ही चली जाऊं डॉली के साथ खरीदारी करने बाजार। हाँ हाँ, चले जाओ खरीदारी के लिए। प्रीतो पुत्र, तू पैसा सब संभाल के ले आई है ना? नहीं पापा जी, वो क्या हुआ, पैसे तो मिल गए थे मुझे, लेकिन सर ने बोला कि कुछ फॉर्मेलिटीज है तो एप्लीकेशन दिया, 2 दिन लगेंगे। 2 दिन? ओ कमल जी, सरकारी कामों में 2-4 दिन तो लग ही जाते हैं। पर प्रीतो, आज तूने एक बार फिर अपनी बीजी और पापा का मान रखा है। पुत्र, जितनी शर्मिंदगी मुझे नीलम जी के सामने हो रही थी ना, उतना ही मुझे तेरे ऊपर फक्र हो रहा था जब तूने ये कहा कि मेरी इज्जत तेरी इज्जत है। ना पापा जी, मैं सच्ची कह रहा हूँ। इन आंसुओं को तो बचा के रखो, ईशु जी की विदाई में तो अभी टाइम है ना, अभी नहीं हो रही विदाई। काश ये जमाने का दस्तूर ना होता जहाँ बेटियों को विदा करना पड़ता, तो मैं अपनी 5ों बेटियों को अपने दिल से लगा के रखता। पुत्र, हम लोगों से ना आपको इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिलने वाली है। रितो आ गई, तू जल्दी ऊपर आ। आई, रुको। आती हूँ। जा पुत्र। नीता दी, अरे चल ना। तू कर क्या रही है, मैं गिर जाऊंगी मीता दी। अरे नहीं गिरेगी, लेकिन अब जो मैं तुझे दिखाने जा रही हूँ ना, वो देख के गश खा के जरूर गिर जाएगी। क्या क्या गश खा के गिर जाऊंगी, तू भी कुछ ही बकवास करती रहती मीता दी। ओए हाय मीता दी, हट तू यहाँ से। कैसी लगी? ईशु दी, आप बहुत सुंदर लग रहे हो, एकदम राजकुमारी जैसे, कहीं कहीं नजर ना लग जाए। उसको क्या कह रही है, उसको तो कुछ ध्यान ही नहीं है, उसको तो शर्माने के अलावा कुछ याद ही नहीं है। लेकिन एक बात तो है मिताली, अब ईशु दी इसी टाइम तो शर्माएंगी ना, अभी नहीं शर्माएगी तो फिर कब शर्माएगी। हाँ ईशु दी। दी, मैं प्रीता दी को अपनी ड्रेस पहन के दिखाऊं? अभी दिखाते दी। पानी नहीं, पानी रुक, नहीं पहन के दिखानी है, खराब हो जाएगी। दी प्लीज, रुक, तू मान जा, अभी नहीं पहन के दिखानी है, खराब हो जाएगी वो। दी, हम ध्रुव जीजू के घर शगुन का सामान लेकर कब जाएंगे? उनके घर तो मैं कभी गई नहीं, इस बार ना मैं बीजी के साथ जरूर जाऊंगी। पक्का से जाना। 2 दिन बाद चलेंगे। हेलो, हाँ जी आंटी जी, सत श्री अकाल, प्रीतो बोल रही हूँ, कैसे हो जी? अच्छा, वो आंटी जी आपने कहा था ना कि आपको कपड़े सिलवाने। हाँ जी, रेडीमेड खरीद लिए, चलो जी कोई गल नहीं जी, सत श्री अकाल। हेलो रविंदर आंटी जी, सत
सस्यकाल जी, मैं एकदम चंगी हूँ जी। वो आंटी जी, आपने कहा था ना कि आपके भांजे की शादी, आपको कपड़े सिलवाने। हाँ जी, अगले महीने। अच्छा अच्छा आंटी जी, वो इश्री का रोका है ना, तो एडवांस में। हेलो, कट क्या? कट नहीं गया, काट दिया। तू क्या कर रही हो प्रीतो? पिछले एक घंटे से देख रहा हूं तुम हर किसी को काम के लिए फोन किए जा रही हो। क्यों? देखो, ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम अपने काम से काम रखो और मुझे मेरा काम करना, तो समझे तुम? हेलो गोगी आंटी, आंटी सत श्री अकाल, प्रीतो बोल रही हूँ, कैसे हो जी? मैं एकदम बढ़िया जी। हाँ जी जी, वो बताना था कि ईशुदी का रोका पक्का हो गया। हाँ जी, तो वो अच्छा दिल्ली में हो आप? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप आ जाइए, फिर बात करते हैं। ससुर का छोड़ो मेरा हाथ, कर रहे हो तुम? तुम्हारी शिकायत मुझे अब करनी पड़ेगी। मेरी शिकायत जिससे करना चाहती हो करो, लेकिन प्लीज फॉर गॉड सेक इस तरह लोगों के सामने मिन्नतें करना बंद करो। मैं नहीं देख सकता तुम्हें इस हाल में प्रीतो, बंद करो लोगों के सामने गिड़गिड़ाना, वो भी चंद रुपयों के लिए। तुम क्या देख सकते हो और क्या नहीं, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। मेरे पर्सनल मैटर्स में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझे तुम? ऐसा कर पाता प्रीतो, लेकिन आज भी तुम्हारी प्रॉब्लम मुझे अपनी लगती है। प्लीज प्रीतो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, पैसे रख लो। ये पैसे देके क्या साबित करना चाहते हो तुम? हाँ, समझते हो मुझे ये पैसे क्यों देना चाहते हो? इज्जत ही करना चाहते हो ना मेरी? नहीं प्रीतो, मैं तो बस जानती हूँ मैं, खरीदना चाहते हो ना तुम मुझे? नीला माटी के सामने ये जताना चाहते हो कि हमने अपनी बहन के रोके के लिए तुमसे पैसे लिए, गिराना चाहते हो ना उनकी नजरों में? ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम छोड़ो मुझे। तो इतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ मैं, इतनी भी छोटी सोच नहीं है मेरी। Why the hell don't you understand me? सब समझती हूँ मैं, तुम्हारा कद जितना हो जाए उतनी छोटी सोच है तुम्हारी। किसी का भला होता ही नहीं देख सकते तो किसी का भला नहीं सोच सकते तो तुम हमेशा मेरे बारे में गलत क्यों सोचती हो प्रीतो? तुम गलत हो। नहीं प्रीतो, मैं गलत नहीं हूँ। तुम किसी के सगे नहीं हो सकते। तेरे बाजों लगदा जी।